हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय करूँगा लाइफ को। तो वेलकम बैक हो गया आप लोगों का मेरे डेली रूटीन के एक न्यू ब्लॉग के अंदर। तो यार अभी जो है ना हम लोग सुबह सुबह आ गए हैं और आज आप देख सकते हैं धूप नहीं है मौसम। अभी सो के उठा हूँ तो थोड़ा सा हो गया था, तो आज जो है ना धूप नहीं है और थोड़े थोड़े जो है ना बादल हैं। कल की पेशिंग हुई थी मौसम वालों की ना कि जो है बारिश होगी, लेकिन कल तो जो है कोई बारिश नहीं, लेकिन आज थोड़े थोड़े चांसेस लग रहे हैं कि शायद हो जाए। और आज की पेशिंग हुई है कि आज जो है ना शायद से बारिश हो जाए। अभी ना हम लोग ना इस वाले चिप को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको जो है ना आई थिंक तो 48 आवर्स हो गए हैं निकले हुए, तो इसको भी अब ना बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन ये अभी तक खुश्क नहीं हुआ, कोई नहीं बाहर खुश्क हो जाएगा। और यार ये जो है ना बाकियों से जहाँ तक मेरा ख्याल है थोड़ा सा हेल्दी भी है। और यार अभी ना दो और चिक भी निकलना शुरू हो गए हैं, एक ये पॉलिश का निकल रहा है और एक ये वाला, इसका मैंने नाम नहीं देखा, ये है ब्लैक सुल्तान का, ये निकल रहा है। और हाँ एक और बात भी याद आ गई, वो भी आपको बताता हूँ। ब्लैक सुल्तान में ये बात याद आई कि कल तो जो है ना मैं आपको वीडियो में बताना भूल गया था, जो मैंने आपसे परसों पूछा था कि चिक किसका है। आज मैं आपको बताता हूँ, उसका एक भाई जो है ना ये भी फिर रहा है, ये भी तकरीबन उसी के साथ का बनेगा, खोलना ही पड़ेगा। ये वाला, क्योंकि इसके नीचे हमने ना बफ के कोई अंडे नहीं रखे थे, बफ के अंडे रखे होते तो इस तरह का चिक निकलने के चांसेस थे, लेकिन जो है ना अब इस तरह का निकला है। और एक जो है ना वो मैंने आपको परसों की वीडियो में दिखाया था, वो जो है ना इस मुर्गी के साथ है, आज भी दिखा देता हूँ। और मैं आपको वजह बताता भी हूँ, लेकिन मुझे ये वजह ना कन्फर्म नहीं लगती। ये रहा मेरे ब्लैक एंड वाइट, ये वाला पेरा ये है। यार ये जो है ना हमारे पास ऐसे निकला है कि हमने जो है ना सबसे पहले ना हमारे पास ना ब्लैक पॉलिश का ना मेल नहीं होता था, तो हमने क्या किया कि ब्लैक पॉलिश की एक फीमेल थी उसको जो है ना हमने ब्लैक बैंडम के साथ क्रॉस करवाया, जिससे जो है ना हमारे पास जो ब्लैक सुल्तान थी ना वो निकली। उस तरह की और भी निकली थी, लेकिन उसकी उनकी क्वालिटी ये थी कि बस एक आधा पर था सर पे, बाकी जो है ना बिल्कुल वो था। तो वो जो है ना हमने ना रिबा कर लिए थे, तो अब उसका जो है ना ब्लैक सुल्तान उसकी क्वालिटी थोड़ी सी सही थी यानी अच्छी थी, तो वो जो है ना हमने रख ली थी। अब उसका पेयर जो हमने ब्लैक बैंडम के साथ लगाया तो उसके साथ ये चिक निकल रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आ रही, वाइट कलर का तो इनमें कोई आया ही नहीं, सिर्फ जो है वाइट क्रश था वो मुर्गी में था जो कि इतना सा होता है, लेकिन अब ये पूरे वाइट मुझे इसकी नहीं समझ। अगर आपको पता हो थोड़ा सा बहुत जेनेटिक्स और ये वो, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में, ताकि मेरे भी जो है ना इल्म में इजाफा हो सके। अभी जो है ना इन सारों को पानी डाल दिया और जो है ना इन वाली मुर्गियों को भी खोल दिया। अभी जो है ना हमने बस उनको उसको खोलना है, बैंटम को उसको खोलते हैं और फीड देख लेते हैं, जिसके पास नहीं है उनको फीड डाल देते हैं। मैंने जिन जिन के पास फीड नहीं थी उनको फीड डाल दी, और ये जो है ना मैंने बाहर फीड गिरा दिया। पहले जो है ना बर्तनों के अंदर डालते थे तो ये जो है ना लड़ते थे, अब जो है ना गिरा देते हैं बाहर ज़मीन पर, तो जो है ना लड़ाई से बच जाते हैं। तो यार अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया और मैं जो है ना फार्म के ऊपर आ गया हूँ। और आपको ना एक बात बताता हूँ, मैं ना सुबह को जाते हुए मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो जो है ना ज़रा सा कभी कभी कैमरा धुंधला हो जाता है, आप भी नोट करते होंगे, वो जो है ना मिट्टी होती है, तो वो जो है ना इस वजह से मैंने लेट कर दी। सुबह को जो है ना मैं अंकल को कह के गया था कि ना आपने ना पिंजरों के अंदर मिट्टी डाल दी है, पहले भी दो तीन बार कहा है, लेकिन वो जो है ना सही से काम, यानी मैंने आपको पहले भी बताया गोलियां कराते हैं कल परसों में लोग, तो अभी भी उन्होंने ना जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि तीन चार दिन हो गए थे, मैं जो है ना उनको कह रहा था ऐसे फ्रंट फ्रंट पे ना थोड़ी थोड़ी डाल दिए, और बैक साइड पे ना बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बस एक एक कहीं जैसे होता है ना वो गिरा दिया। तो अभी ना हम लोग क्या करेंगे कि ना आज तो थोड़ा सा मौसम यानी कि सही था, लेकिन अब आगे जो है ना एक दो दिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा सेट होगा ना, हम लोग ना खुद जो है ना सही तरह करके ना मिट्टी गिरा देंगे, अंकल को जो है ना छोड़ देंगे। असल में यार अगर हम अंकल को कोई काम ना कहें ना, तो वो ना सारा काम हमसे कराएंगे, यानी फिर हमारा ना कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अंकल को यानी काम पर रखने का, इसलिए जो है ना थोड़ा मोटा काम। बाकी बड़ों जानवरों का तो वही करते हैं, इनका भी थोड़ा बहुत कराते रहते हैं, क्योंकि अक्सर जो है ना कभी कभार हम नहीं भी आते ना तो अंकल पीछे से जो है ना काम कर दिया करें, यानी कि दाना पानी वगैरह डाल दिया करें, और कोई काम नहीं कह रहा मैं ना। ये भी जो हमने सुबह को चूजा छोड़ा था ना, वो भी जो है ना एक्टिव है, इसका भी इतना ज़्यादा मसला नहीं है, यानी ये भी जो है ना एडजस्ट हो गया। अभी दो चूजे निकल रहे थे, हम लोग जो है ना उनको जाके देख लेते हैं कि वो कितने निकल आए और कितने रह गए हैं। अभी ना ये दोनों निकले हैं, ये भी निकला है, ये भी निकला है, शेल इसके निकाल के फेंक देते हैं दोनों के, और अभी गिले हैं, मेरे ख्याल से घंटा डेढ़ ही हुआ होगा इनको निकले हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ।
तो यार अभी जो है ना मैंने यहाँ पे सारे फार्म पे जो है ना यानी मुर्गियों वाली साइड पे पीछे तो नहीं यहाँ पे जो है ना सारे हमने ना पानी मार लिया और अब जो है ना इनको फीड डाल देते हैं और उसके बाद जो है ना इनका पानी वगैरह निकालेंगे। अभी ना इन सारों को जो है ना फीड डाल के मैंने ना पानी भी निकाल लिया और इन्होंने ना तकरीबन ने फीड खा भी लिया और जो है ना ख़त्म भी कर लिया। अभी मैंडम को पकड़ते हैं, इसको बंद करते हैं और उसके बाद जो है ना बाकियों को बंद करते हैं। अभी जो है ना अंडे भी उठा लिए और उनको जो है ना बंद भी कर लिया और आज जो है ना मेरे से उसका भी जो है ना एक अंडा टूट गया है ये इसका पॉलिश का, ऐसे बस हल्का सा रखा ही था मैंने और वो जो है ना टूट गया। ये देखें ना मैं पॉलिश का अंडा रखने लगा था और मैंने नोट किया यहाँ पे जो है ना तीन चिक्स निकले हुए हैं, उस टाइम मुझे लगा दो हैं लेकिन ये जो है ना तीन निकले हुए हैं, एक जो है ना बैंकर का भी निकला हुआ है और अभी एक ये वाला और भी निकल रहा है। यार ये ना इसको कोई कीड़ा ये बार बार नीचे आ रहा है। यहाँ पे जो है ना हम करते हैं एंड अपने ब्लॉग को। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन दबा दें ताकि हर नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक किसी तरह पहुँचती रहें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।